तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल कोनिचुआ इंडिया पे। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्डिंग करी थी, लाइक रिव्यू करा था हमने ब्रीज़ा का, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं i10 ग्रैंड 2017 मॉडल का। बिकॉज 2017 में मुझे अच्छे से याद है मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी i20, और साथ साथ हमने यही गाड़ी निकलवाई थी i10 ग्रैंड। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। रिव्यू एज इन लाइक आप लोग कहोगे कि लाइक i10 ग्रैंड में ऐसा क्या नया। बेसिकली हमने इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट CNG लगवाई है और साथ साथ CNG को हमने ऑन पेपर चढ़वाया है। तो उसका पूरा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, गाड़ी की माइलेज में क्या फ़र्क आता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा इस गाड़ी में जो CNG लगवाई है, डिग्गी स्पेस ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, या पाइपलाइन किस तरीके से यूज़ हुई है, कितना खर्चा है, डिग्गी के स्पेस है नहीं है, वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मैं आपको ये रही हमारी पूरी CNG की किट, और ये रही हमारी स्टेपनी की जगह तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, बट CNG वालों ने यहाँ पर एंगल लगा दिए हैं, और ये जो टायर है इसका पेच लगा हुआ है यहाँ पे, इसको इजीली यहीं पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक एंगल कनेक्टेड है जहाँ पे आप टायर फिट कर सकते हो, टायर हिलता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रही पूरी CNG की पाइपलाइन, और पाइपलाइन के जितने भी पाइप्स वगैरह हैं, वायर वगैरह हैं, सब ये आउटर हैं, सब गाड़ी के नीचे से गया हुआ है। तो ये है पूरा पूछेगा बैकग्राउंड गेरा, और ये क्या पड़ा हुआ है नहीं छोड़ो सर। तो ये है पूरा पीछे का बैकग्राउंड। डिग्गी आपकी ख़त्म हो चुकी है, बट थोड़ा बहुत सामान जैसे नॉर्मल थैली वगैरह, छोटे बहुत बॉक्सेस आप यहाँ साइड में रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान आ सकता है, या कुछ सामान जो आपने इस बोर्ड के ऊपर रखना है वो आप यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर आप वो सामान रख सकते हो, तो ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। बट डिग्गी स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो लॉन्ग ट्रिप वगैरह के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह आएगी, आप सामान आगे पैरों में रख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा बचाना है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं देता हूँ आगे का बॉनेट का रिव्यू, कि बॉनेट में किस तरीके से वहाँ पे CNG एडजस्ट कर रखी है, कितनी पाइपलाइंस वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं। सबसे पहले हम बॉनेट खोल लेते हैं और मैं आपको बॉनेट का सीन दिखाता हूँ आगे। आ जाओ, तो ये लगी हुई है हमारी CNG किट। यहाँ पे बेसिकली CNG पूरी फिल होती है, यहाँ पे फिल आउट करते हैं, और अंदर हमारा यहाँ पे लगा हुआ पूरा इसका किट वगैरह। यार लोग गाड़ी में CNG लगवा तो लेते हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार गाड़ी की पिकअप में फ़र्क पड़ जाता है, पिकअप काफ़ी गिर जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो कंपनीज जो CNG बेच रही हैं, काफ़ी कुछ लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, बताता हूँ मैं आपको। नॉर्मल CNG तो यहाँ पर लगी हुई है, बट साथ साथ इसमें हमने यहाँ पर लगवा रखा है एडवांसर। अगर आप यहाँ पर देखो टाइम एडवांसर प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये पार्ट ये आप पढ़ सकते हैं, ये पार्ट लगा हुआ है जिससे कि गाड़ी की पिकअप बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली पिकअप हो जाती है। इतनी बढ़िया पिकअप कोई हद नहीं, लाइक अगर आप सीधा रेस से जैसे एक्सेलरेट करोगे आप एकदम बैक बाउंस हो गया आप एकदम। तो यहाँ पे लगा हुआ है एडवांसर वगैरह, और ये भी ही एडवांसर का एक पार्ट है, ये एडवांसर है, ये एडवांसर है, ये भी एडवांसर का पार्ट है, और ये पूरी CNG किट। तो आपका जो आगे का फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आपके इस एड ऑन्स है वो है एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, जो कि आपके गाड़ी में एड ऑन्स वगैरह रहेंगे। तो दोस्तों ये है गाड़ी का इंटीरियर का कुछ एक पार्ट जो यहाँ पे CNG का लगा हुआ है, जिससे कि हम चाहें तो CNG की गाड़ी की हम पेट्रोल पे भी चला सकते हैं और CNG पे भी कर सकते हैं। जस्ट सपोज़ अभी गाड़ी जस्ट ऑन है, ऑन कर रखी है मैंने, अगर मैं इसको चालू करना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो गाड़ी को जैसे मैं गाड़ी मैंने ऑन कर दिया। अब आप लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या कहते हैं ये CNG में कैसे हुई या पेट्रोल पे कैसे हुई है। अभी फ़िलहाल ये CNG पे है, जैसे हल्की अगर मैं रेस देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक CNG पे आ जाती है, बट अगर गाड़ी शुरुआत की बात करो तो गाड़ी शुरुआत हमेशा पेट्रोल पे ही होती है, तो आपको मिनिमम कम से कम 50-100 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल रखना पड़ेगा। बट अगर मैं इसे क्या कहते हैं पेट्रोल पे, अब गाड़ी ऑलरेडी CNG पे है, बट अगर मैं चाहता हूँ इसे पेट्रोल पे करना, तो मैं इसको टच कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं रेड साइन आ गया, मतलब ये गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है। तो ये है कुछ अंदर का ये किट वगैरह जो सब हमें जो CNG वाले ही लगवा के देते हैं। सो दोस्तों ये थी CNG का पार्ट जो मैंने लगवाया अपनी गाड़ी में। तो अब लाइक काफ़ी लग हमारे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं कि यार कितने की CNG लगवाई, कौन सी कंपनी की बेस्ट है CNG, और कितना खर्चा आया टोटल जो CNG जो कंपनी लगाती है, तो वो लाइक RC पर चढ़वाते हैं नहीं चढ़वाते हैं, हमें किस तरीके से कहाँ कहाँ पर स्टेशन वगैरह हैं इसके। तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हमारे माइंड में रहते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाइक ये जो CNG मैंने लगवाई है ये गैस चेक कंपनी की CNG है, और इसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये।
जिसमें इंक्लूसिव है आपका क्या कहते हैं एडवांसर, वो इन्होंने ही लगवा के दिया, प्लस गाड़ी की आरसी पे सीएनजी वो भी इन्होंने ही करवा के दी, मेरा उसमें कुछ नहीं था। मैंने नॉर्मल 50,000 रुपये दिए, इन्होंने आरसी का काम भी करवा दिया और एडवांसर भी इसमें लगा दिया। एडवांसर लगवाने का बेनिफिट आपको ये है कि आपको लाइक जो पिकअप है वो डीजल वाली पिकअप मिलती है, नो डाउट पेट्रोल से भी 1% फालतू ही आपको वो पिकअप मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइक आप गैस चेक कंपनी की ही सीएनजी लगवाएं, बिकॉज वो काफ़ी उसके बेटर रिव्यूज़ वगैरह हैं, मैंने काफ़ी पता करा था उसका और वो नॉर्मल बहुत बेहतरीन उसके रिव्यूज़ मेरे को सुनने में मिले। बात करूँ अगर मैं गाड़ी की माइलेज की, गाड़ी की माइलेज है लाइक 1 किलो सीएनजी गैस में गाड़ी चल जाती है 20 किलोमीटर और 1 किलो सीएनजी है 52 रुपये की, मतलब लगा लो 52 रुपये में 20 किलोमीटर। वही अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो भाई रोना आ जाता है, भाई रोना, लिटरली रोना आ जाता है, बट सीएनजी बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर मैं एक जेन्युइन बात करूँ, पेट्रोल की गाड़ी डिपेंड करता है दिल्ली में आप किस तरीके से चलाते हो, जो जेन्युइन मेरे को जो पेट्रोल में पड़ती है, जैसे पेट्रोल पे मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे पड़ती है अराउंड 10 से 11 रुपये पर किलोमीटर। वही अगर आप बात करो सीएनजी की, तो जेन्युइन रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, इसको सीएनजी को लगवाए हुए ऑलरेडी महीना हो गया है तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये हमें पड़ती है अराउंड 2.5 रुपये किलोमीटर। सोचो 11 रुपये किलोमीटर और 2.5 रुपये किलोमीटर कितना फ़र्क है भाई। मैं डिग्गी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ बट नो डाउट मैं यार पैसों में इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मतलब भाई आप कह लो कि हमें गाड़ी स्कूटी से भी सस्ती पड़ती है, और सबसे ज़्यादा मैं इसकी खास बात मैं आपको ये बताता हूँ, जस्ट इन केस गाड़ी चलाते हुए या कभी मार्केट या कभी किसी भी लोकेशन पर अगर मेरे को सी एन जी पे कोई इश्यूज आ जाए, तो सबसे पहले जो मुझे इसको वारंटी जो इसकी मिली है वो मिली है 1 साल की वारंटी मिली है गैसो कंपनी से, प्लस साथ साथ अगर मेरे को किसी लोकल वगैरह मैकेनिक को अगर मैं दिखाता हूँ, तो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लाइक जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो कंपनी रिपेयर करेगी लैपटॉप से। मतलब आप लैपटॉप से पता कर सकते हो कि लाइक वायरिंग वगैरह से कि कहाँ पे दिक्कत है, आपको कुछ लाइक पूरी सीएनजी बाहर नहीं उखाड़नी या आगे बोनट खोल के पूरा चेक नहीं करना, लैपटॉप से आप इशू रिकवर कर सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत वगैरह है। तो और क्या चाहिए यार, पूरी गाड़ी खोलने से बेटर है सीधा लैपटॉप से आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं दिल्ली वालों को मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई पेट्रोल वाली गाड़ी लो, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकता सीएनजी उनके लिए बेस्ट है, और आज के टाइम पे वैसे सीएनजी की बहुत डिमांड है, तो आई वुड रिकमेंड गैस चेक कंपनी बेस्ट कंपनी है सीएनजी के लिए। स्कूटी से भी सस्ती पड़ रही है गाड़ी यार, मार्केट जाओ नॉर्मल आप गाड़ी लेके चले जा सकते हो, और क्या चाहिए आप लोगों को।